नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। गौतम बुद्ध की प्रेरणा कहानी, क्रोध पर नियंत्रण रखना। बहुत समय पहले की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक गांव गए। वहां के लोग उन्हें बहुत सम्मानित देते थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो बुद्ध के प्रति बहुत क्रोध रखता था। उसने सोचा कि वह गौतम बुद्ध को अपमानित करेगा और उनकी महानता को झूठा साबित करेगा। जब बुद्ध उस गांव में पहुंचे, वह व्यक्ति उनके पास गया और जोर से अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध को भला बुरा कहा और वह गुस्सा दिखाया, लेकिन गौतम बुद्ध ने उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांति से खड़े रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और बोला, तुम मेरा अपशब्द का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम डर गए हो? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और शांत से बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे रहा है और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, स्वाभाविक रूप से वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने दिया था। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, इसी प्रकार तुम मुझे अपशब्द कह रहे हो, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए यह अपशब्द तुम्हारे पास ही रह गया है। वह व्यक्ति बुद्ध की बुद्धिमानता और शांति से चकित हो गया। उसकी समझ में आ गया कि क्रोध और दोष से कुछ भी अच्छा नहीं होता। उसने बुद्ध से माफ़ी मांगी और उनकी शरण में आ गया। इस कहानी का सीख, क्रोध का उत्तर क्रोध ही नहीं बल्कि शांति और धैर्य से दिया जाना चाहिए। दूसरों के द्वारा कहे गए बुरे शब्द को स्वीकार ना करें। हम अपने मन की शांति बनाए रख सकते हैं।